संपूर्ण नागदा खाचरत विधानसभा में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्यों के प्रदर्शन स्वरूप विकास यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में क्षेत्रीय सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, दिलीप सिंह शेखावत, मध्य प्रदेश असंगठित कामगार निगम बोर्ड अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत, भाजपा प्रदेश कार्य समिति डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, जिला महामंत्री धर्मेश जायसवाल, नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा, स्वास्थ्य समिति सभापति श्रीमती बबीता रघुवंशी, राकेश यादव, मंडल अध्यक्ष सी एम अतुल, दिनेश जाट, चेतन शर्मा, अजय सिंह पंवार, वरिष्ठ भाजपा नेता रामलाल धाकड़, मांगीलाल पाटीदार, भारतीय जनता पार्टी महामंत्री ओपी गहलोत, साहिल शर्मा, राकेश महेंद्र उचेनिया सहित भारतीय जनता पार्टी के समस्त वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए सभी विकास कार्यों को इन अतिथियों के द्वारा दिखाया गया। इस यात्रा में नगर के समस्त पत्रकारगण सहभागी बने। इस विकास यात्रा के माध्यम से नागदा नगर में करोड़ों रुपए से बनने वाले शासकीय चिकित्सालय का निर्माण कार्य, कन्याओं के लिए कन्या महाविद्यालय निर्माण कार्य, नागदा नगर पालिका द्वारा किए जाने वाले विकास कार्य जिसमें 300 लाख रुपए की कायाकल्प सड़क जो कि अमलावदिया रोड विद्यानगर से रिंग रोड से मिलेगी, इंगोरिया ब्रिज का डामरीकरण, फिल्टर प्लांट पर नवीन पंप स्टेशन को देखा गया। यात्रा के पश्चात समस्त अतिथियों के द्वारा नागदा के सर्किट हाउस पर एक प्रेस वार्ता समस्त पत्रकार बंधुओं के साथ की गई, जिसमें सर्वप्रथम क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद अनिल फिरोजिया के द्वारा समस्त पत्रकार बंधुओं का पुष्प मालाओं से स्वागत सत्कार किया गया। उसके पश्चात भाजपा मंडल अध्यक्ष सी एम अतुल, महामंत्री ओपी गहलोत द्वारा समस्त अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन सी एम अतुल ने किया तथा आभार ओपी गहलोत के द्वारा माना गया। इसके बाद विकास यात्रा नगर नागदा के ग्रामीण क्षेत्रों की ओर निकल पड़ी। यह विकास यात्रा संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में हुए लाखों के निर्माण कार्यों के विकास कार्य जो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुए हैं उनका जायजा लेकर समस्त पत्रकार बंधुओं के द्वारा भाजपा कार्यकाल काल में हुए होने वाले विकास कार्यों की गाथा जनता के समक्ष लाकर विकास यात्रा के रूप में मनाया जाएगा। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनिल फिरोजिया जी उपस्थित है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के निर्धारित कार्यक्रमों का एक पखवाड़ा चल रहा है और उसी पखवाड़े के अंतर्गत आज हम लोग 15 तारीख संपूर्ण देश भर में चिन्हित किया गया है कि सबकी अलग अलग तारीख है, लेकिन संपूर्ण देश में भाजपा की योजना बनाई है कि प्रत्येक विधानसभा वार विकास तीर्थ को लेकर हम लोग अपने चल रहे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के विकास कार्यों को लेकर हमारे सब पत्रकार बंधुओं के साथ उनका निरीक्षण करने पहुंचेंगे, उन्हें देखने पहुंचेंगे। उसी तारतम्य में नागदा खाचो विधानसभा क्षेत्र का आज विकास तीर्थ कार्यक्रम है। मैं भारतीय जनता पार्टी नागदा खाचोद की ओर से समस्त पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। साथ ही में प्रेस क्लब के हमारे दोनों ही अध्यक्ष आदरणीय दीपक भैया चौहान, आदरणीय शरद गुप्ता जी का और संपूर्ण पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। मैं आदरणीय ओपी गहलोत जी से आज के इस कार्यक्रम के लिए आग्रह करता हूं कि हमारे बीच हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद जी उपस्थित हैं। आदरणीय